नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। सरहद पर जो खड़े हैं, मुल्क के लिए जो तने हैं, उनकी आंख में झांकना कभी, कितनी रातें जगे हैं। भारत की हिफाजत ईमान है जिनका, दिन रात सीमाओं पर डटे हैं। आजादी का एहसास अनमोल होता है और ये एहसास आज हमारे दिलों में इसलिए महफूज है क्योंकि आज हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं। वक्त वक्त पर जब भी दुश्मन ने हिमाकत की, हमारे जवानों ने मुंह तोड़ जवाब दिया है, सीने पर गोलियां खाई हैं, दुश्मन के घर में घुसकर भी गोलियां बरसाई हैं। तो आज कवियों का सलाम उन वीर सपूतों और उनकी शहादतों के नाम, जिनकी वजह से हम हैं, हमारा मुल्क है और हम सब महफूज हैं। परिचय करा देती हूँ, तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। अनामिका अंबर जी हमारे साथ है, बहुत स्वागत है अनामिका जी। बहुत धन्यवाद। पंकज अंगार जी हमारे साथ हैं, पंकज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। लवलेश जी हमारे साथ है, लवलेश जी बहुत स्वागत है आपका। सूरज मणि जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, बहुत स्वागत है। और कमल अग्नि जी हमारे साथ है, बहुत स्वागत है। तो आज हम सब महफूज हैं क्योंकि सरहद पर हमारे जवान हैं और पड़ोसी को भी पता है कि अगर जरा सी हिमाकत की तो वो घर में घुस आएंगे। आज हम शुरुआत उसी बहादुरी से करेंगे। बिल्कुल, और यही बात आज यहां से प्रारंभ करने के लिए कही गई है और मैं यहीं से प्रारंभ करती हूं। सेना ने हमें ये विश्वास केवल नहीं दिलाया है कि उनके कारण हम जिंदा हैं, महफूज हैं, साथ ही आंखों में जो लाल डोरे किसी कारणवश उतरे हैं तो उन्हें ठंडा करने का भी काम उन्होंने किया है और उसका बदला कैसे लिया है मैं कुछ घटनाओं से जोड़ती हूं और अपनी बात कहती हूं। लेकिन उससे पहले एक मन का गीत उनको समर्पित करती हूं, उनकी बहादुरी का सुनिएगा कि सेना तेरा करम क्या निभाया धर्म, घर में घुस करके मारा मजा आ गया, घर में घुस करके मारा मजा आ गया, पीठ परिवार का ऐसा बदला लिया, पीठ परिवार का ऐसा बदला लिया, बदला है सब नजारा मजा आ गया, बदला है सब नजारा मजा आ गया, कि दुश्मनों के दिलों को यूं दहला दिया, दुश्मनों के दिलों को यूं दहला दिया, शेर कैसे दहाड़े थे बतला दिया, शेर कैसे दहाड़े थे बतला दिया, शोले आंखों में बारूद दिल में लिए, शोले आंखों में बारूद दिल में लिए, था हवा का इशारा मजा आ गया, था हवा का इशारा मजा आ गया, सेना तेरा करम। और एक मैंने उपमा दी है, उससे आप सब सहमत होंगे, वो कहती हूँ कि ज्वार आतंक पर फूटा संग्राम का, ज्वार आतंक पर फूटा संग्राम का, जैसे लंका पर हो क्रोध श्री राम का, लंका पर हो क्रोध श्री राम का, कृष्ण लेकर सुदर्शन निकल ही पड़े, कृष्ण लेकर सुदर्शन निकल ही पड़े, शत्रुओं को संहारा मजा आ गया, शत्रुओं को संहारा मजा आ गया, सेना तेरा करम क्या निभाया धर्म, घर में घुस करके मारा मजा आ गया, घर में घुस करके मारा मजा आ गया। चाहे उरी हो, चाहे पुलवामा हो या चाहे गलवान, हमारे सैनिकों ने जिस बात का परिचय दिया है, मैं एक घटना से जोड़ती हूं और पुलवामा को याद करती हूं, उससे ज्यादा उस बात को याद करते हैं जो शौर्य का प्रतीक है और वो है होने वाली एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, जो हमें कहीं गौरवान्वित करती है। सुनिएगा, एक कहानी से जोड़ती हूं कि जिस दिन अंबर विश्व समूचा प्रेम रंग में डूबा था, वो 14 फरवरी का दिन था और इस बात पर गर्व होता है। नवजोत जी, हम सब युवा हैं और हम जानते हैं कि हम किस तरह के संस्कार को अपने देश में जीते हैं। 14 फरवरी वो प्रेम दिवस, वैलेंटाइन डे, जिसे त्याग कर लोगों ने अपने शौर्य को जिया है, तब कहती हूँ कि जिस दिन अंबर विश्व समूचा प्रेम रंग में डूबा था, उस दिन नफरत पाले दिल में एक खूनी मंसूबा था, वह मंसूबा जो आया था दामन में बारूद लिए, भारत माँ के दिल को जिसने घाव बड़े गंभीर दिए, भारत माँ के दिल को जिसने घाव बड़े गंभीर दिए, वो बेटा जो भारत माँ के आंचल के ध्रुव तारे थे, वो बेटे जो भारत माँ के आंचल के ध्रुव तारे थे, वो
बड़े बहादुर थे दुश्मन ने अतः घात से मारे थे, बड़े बहादुर थे दुश्मन ने अतः घात से मारे थे। कायर नीच दरिंदे थे वे कर्म जिन्होंने नीच किया। आप सब इस घटना को जानते हैं कि किस प्रकार पीठ पर वार किया गया था, तब कहती हूँ। कायर नीच दरिंदे थे वो कर्म जिन्होंने नीच किया, शौर्य रक्त से कायरता ने पुलवामा को सींच दिया, शौर्य रक्त से कायरता ने पुलवामा को सींच दिया। कायरता की इस करनी को उत्तर सीना ठोक दिया, कायरता की इस करनी को उत्तर सीना ठोक दिया। बालाकोट में जाकर हमने उसे आग में झोंक दिया, बालाकोट में जाकर हमने उसे आग में झोंक दिया। भारत के बेटों का साहस सारे जग ने जान लिया, भारत के बेटों का साहस सारे जग ने जान लिया। और हमारे शौर्य का लोहा दुनिया ने भी मान लिया, और हमारे शौर्य का लोहा दुनिया ने भी मान लिया। तब अंतिम पंक्तियां कि मगर तुम्हारे याद की मन में टीस अभी तक बाकी है। हम जीएनटी पर बैठकर आपको याद कर रहे हैं, और वो किस लिए कि मगर तुम्हारी याद की मन में टीस अभी तक बाकी है। सूने आंगन खोई आंखें गुमसुम बैठी राखी है, सूने आंगन खोई आंखें गुमसुम बैठी राखी है। स्मृति का है पर्व तो तुमको भाव हृदय के अर्पित है, स्मृति का है पर्व तो तुमको भाव हृदय के अर्पित है। तुमको हर भारतवासी के श्रद्धा सुमन समर्पित है, तुमको हर भारतवासी के श्रद्धा सुमन समर्पित है। क्या बात है, क्या बात है। सेना के शौर्य का जिक्र यहाँ हम कर रहे हैं। देखिए, ये तो हमें खून में मिला है। अंग्रेजों को किस तरीके से खदेड़ा था, हम जरा पीछे थोड़ा सा चलते हैं। भारत माँ को बंदी देखा अंतर मन तक जली सुभाष, दहके दहके एहसासों के अंगारों पर पले सुभाष, तब जाकर के एक क्रांति के महायज्ञ में ढले सुभाष, और खून के बदले आजादी का नारा लेकर चले सुभाष। खून के तो ये हमें विरासत में मिला, और फिर हमारी वर्तमान पीढ़ी ने भी वही सीखा। तब मैं कहना चाहता हूँ कि आजादी के महासमर ने हमसे जो भी दान लिया, तन मन धन हो या जीवन, फिर हमने हंसकर उसे दिया। आज देश पर आई अगर तो प्राणों का भी ना मोह किया, मृत्यु क्या क्षण सम्मुख आया जब तो हंसकर उसे जिया। मुश्किल कितनी भी मुश्किल हो हल होती विश्वास से, अमर क्रांति का मंत्री हमने सीखा वीर सुभाष से। अमर क्रांति का मंत्री हमने सीखा वीर। और क्या था सुभाष का व्यक्तित्व कि कितनी भी हो बड़ी मुसीबत सम्मुख भरती थी पानी, संकल्पों के रथ पर चढ़कर चलता था वह सेनानी। साहस शौर्य समर्पण निष्ठा जिसके मन के अस्त्र रहे, कायरता के सभी कबीले तेज से जिसके त्रस्त रहे, तो हिम्मत ताकत और भरोसे की सेना को साथ लिए, भारत माँ के आशीषों से गर्वित उन्नत माथ लिए। बर्लिन से जापान तलक जो अलख जगाता गायक था, गौर से देखो आजादी का यही असली नायक। क्या बात, गौर से देखो आजादी का यही असली नायक था। और आजादी के हवन कुंड में जीवन अर्पित करना था। जीवन जीने के लिए आपके साथ लाखों लोग चल सकते हैं, लेकिन जब आपको ये पता हो कि आपको मौत की तरफ जाना है, तब शायद आप अकेले जाते हैं, लेकिन उनके साथ फिर भी हजारों लोग चले। कैसे, मैं पढ़ता हूँ कि आजादी के हवन कुंड में जीवन अर्पित करना था, भारत माँ के धवल वसन में रंग लहू के भरना था। ऐसे क्षण में वो गीता के कर्म योग को हाथ लिए, मतवालों की पूरी टोली को भी अपने साथ लिए। दुनिया भर से मोती चुनकर देशभक्तों की बुनी लड़ी, दुनिया भर से मोती चुनकर देशभक्तों की बुनी लड़ी। आजाद हिंद के नाम से कर दी रणवीरों की फौज खड़ी, आजाद हिंद के नाम से कर दी रणवीरों की फौज खड़ी। और वो फौज क्या थी कि मलय समीरा मौसम में ये सेना क्या थी, आंधी थी। मलय समीरा मौसम में ये सेना क्या थी, आंधी थी। हर सैनिक की आंखों में बस भारत की आजादी थी, लावे जैसा लहू रगों में आंखों में चिनगारी थी। देशभक्ति की लहर मृत्यु के भय से ज्यादा भारी थी, तो इस सेना ने बिखरे बिखरे संकल्पों को एक किया, इस सेना ने बिखरे बिखरे संकल्पों को एक किया। लहू से अपने आजादी का फिर पहला अभिषेक किया, तो ये सेना जो भारत माँ के साहस की पहचान बनी,
ये सेना जो भारत माँ के साहस की पहचान बनी, यही सेना हिंद फौज से पूरा हिंदुस्तान बनी, यही सेना हिंद फौज से पूरा हिंदुस्तान। क्या बात है, क्या बात है। एक आंधी वो और एक आंधी 71 में जो आई थी। जी बहुत बहुत शुक्रिया जीएनटी के सभी श्रोताओं को और देश के हर एक सैनिक को मैं सैल्यूट करता हूं। और यहां से चार पंक्तियां शुरू करके मैं 1971 तक पहुंचता हूं कि प्रत्येक सैनिक क्या कहता है कि बड़ी सी बिल्डिंगों में नफरती सामान लगता है, मगर मिट्टी का अपना प्यार का मकान लगता है। न अच्छा चीन अमेरिका न पाकिस्तान लगता है, सभी देशों से सुंदर अपना हिंदुस्तान लगता क्या है। बात है, सभी देशों से सुंदर अपना हिंदुस्तान लगता है। 16 दिसंबर 1971 का वो दिन जिसे आज विजय दिवस के रूप में जानते हैं, भारत पाकिस्तान की इस लड़ाई में जब पाकिस्तान के 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने हमारे आगे घुटने टेक दिए तो हमारा माथा और सीना गर्व से ऊंचा हो जाता है। मात्र 13 दिन के युद्ध में बांग्लादेश का निर्माण हुआ और तब से ये चार पंक्तियां मैं कहता हूं बांग्लादेश के नाम और भारत की तरफ से कि आमार सोनार बांग्ला गीत का परिवेश न होता, आमार सोनार बांग्ला गीत का परिवेश न होता, 71 की लड़ाई में विजय संदेश न होता, अगर मानेकशॉ जैसे वीर सैनिक दम नहीं भरते तो नक्शे में कहीं कोई ये बांग्लादेश न होता। और मैं पाकिस्तान को चुनौती देते हुए ये संदेश देना चाहता हूं, वो याद करें 1971 का युद्ध और मेरा ये क्षण देखें कि तुझे हमने पाकिस्तान और बांग्लादेश को जन्म दे के वीरता के शिलालेख दिए थे, अमर जवान ज्योति हमने जलाई और बलिदानियों को ही अमिट रेख दिए थे। इतना जो उछलता है याद कर जरा सा, 93,000 सैनिकों को दर्द अनेक दिए थे। पाकिस्तान तूने 1971 में भारत के आगे खुद घुटने टेक दिए थे, और क्यों घुटने टेक दिए थे, मेरी दोनों बहनें बैठी हैं, मैं देश के नाम ये संदेश देता हूं कि क्यों घुटने टेक दिए थे। जीत ही हमारा मूल मंत्र है, सुनो मैं पाक, यही तो हमारा एक नियम कानून है, और तू कितना भी घाटियों में हमला ये कर ले कुछ ना हमारा होगा, हमको सुकून है। ए पाकिस्तानियों ये कान खोल सुन लो जरा, शौर्य और वीरता का जोश व जुनून है, भारत के फौजियों में मंगल आजाद और अब्दुल हमीद सिंह भगत का खून है, तब हमारे 1971 के जो हमारे भी जवान शहीद हुए और हमारे तमाम कैप्टन मानी शाह के साथ तमाम सैनिकों ने ये बात कही, उनकी बात पे छोटी सी कविता में रखता हूं कि उत्तर में हिमालय से दक्षिण में हिंद महासागर तक, पूर्व में बंगाल की खाड़ी से पश्चिम में अरब सागर तक, गगन के बादलों तक, स्नेह के आंचलों तक, पवन की पुरवाई तक, चांद की रोशनाई तक, धूप की गुनगुनाहट तक, छांव की ठंड आहट तक, फूल की मुस्कुराहट तक, पंछियों की चहचहाहट तक, तरुण की तरुणाई तक, वरुण की पनियाई तक, समुद्र की गहराई तक, पर्वत की ऊंचाई तक, वृक्षों की जड़ताई तक, गुलशन की महकाई तक, माटी की सौंधी खुशबू तक, उड़ते भंवरों और जुगनू तक, दिलों की परवान आरजू तक, प्यार की होती जुस्तजू तक, गिरजा घर की ईसा सानी तक, गुरुद्वारों की नानक वाणी तक, शहरों की चमकी रंगत तक, गांवों की महकी संगत तक, अम्मा अम्मी के आंचल तक, महबूबा के काजल तक, अम्मा मम्मी के आंचल तक, महबूबा के काजल तक, बापू पापा की छाहों तक, बहना भाई के धागों तक, भारत की तस्वीरों तक, सरहद के फौजी वीरों तक, भावों की मधुरम बेलों तक, एहसासों के पावन मेलों तक, मां के होठों की लोरी तक, पत्नी के प्रेम की डोरी तक, चाहे कुछ भी हो लेकिन बस यही एक पहचान रहे, इस मिट्टी की खातिर ही जिंदा मेरी जान रहे। और अंतिम दो पंक्तियां जयंती के द्वारा पूरे देश को कहना चाहता हूं कि 1971 के हमारे भारतीय सैनिकों ने क्या कहा था कि चाहे कुछ भी हो लेकिन बस यही एक पहचान रहे, इस मिट्टी की खातिर ही जिंदा मेरी जान रहे, फिर भी चाहे मैं रहूं ना रहूं लेकिन ये अरमान रहे, इस दुनिया में सबसे आगे अपना हिंदुस्तान। देखिए हिंदुस्तान में जहां एक तरफ पाकिस्तान, हमेशा हम देखते हैं कि किस तरीके से नापाक इरादों के साथ हमेशा तैयार रहता है, वहीं चीन की चालबाजियां भी बंद नहीं होती। लेकिन आज हम गलवान के शेरों को भी याद करेंगे, किस तरीके से उनको वापस
भेजा था गलवान के शेरों ने। बहुत बहुत आभार। और पहली चार पंक्तियां एकदम अलग रंग से लेना चाहता हूं। हम चाइनीज लोगों को देखते हैं या चाइना को हम जब समझते हैं तो क्या पहली चार पंक्तियां मेरे दिमाग में क्या आती हैं कि भारत का दीप। और इसलिए मैं हंसी के चक्कर में बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे देश के सैनिकों ने इसीलिए अपनी जान दी ताकि हमारा देश हंस सके। कि भारत का दीप पूरे विश्व को देगा प्रकाश, भारत का दीप पूरे विश्व को देगा प्रकाश, चाइना की ट्यूबलाइट जल नहीं पाएगी। और अंतिम पंक्ति में देश का चरित्र देख लीजिएगा, पूरे लोगों को आनंद आने वाला है। कि भारत का दीप पूरे विश्व को देगा प्रकाश, चाइना की ट्यूबलाइट जल नहीं पाएगी, और चमगादड़ों में चार सीटियां लगा के सूप पीते चीनियों की दाल गल नहीं पाएगी। बहुत बढ़िया लगता है। चमगादड़ों में चार सीटियां लगा के सूप पीते चीनियों की दाल गल नहीं पाएगी, पांच फीट गड्ढे में गिरेगी चाइना की फौज, पांच फीट गड्ढे में गिरेगी चाइना की फौज, बिना चिड़ियों के तो निकल नहीं पाएगी, और चाइनीज आर्मी भी चाइना का ही प्रोडक्ट, युद्ध में ये ज्यादा देर चल नहीं पाएगी। और जिनका आज हम बलिदान याद कर रहे हैं तो बलिदान क्यों याद कर रहे हैं कि विक्रमी का व्रत नहीं होता व्यर्थवाद व विवाद, विक्रमी का व्रत नहीं होता व्यर्थवाद व विवाद, समर में मात्र सिंहनाद किया जाता है, ओज के प्रचंड मारतंड के प्रताप का ही कमल के द्वारा अनुवाद किया जाता है, जीते जी तो शौर्य गाया जाता है, परंतु सत्य यशगान मरने के बाद किया जाता है, अच्छा, और कायरों की जीत कभी पूंजी नहीं जाती, बस बलिदान वीरों का ही याद किया जाता है, बलिदान वीरों का ही याद किया जाता है। तो उस बलिदान को याद करते हुए, गलवान के शेरों को याद करते हुए, एक छोटी सी कविता आपको सुनाना चाहता हूं। आपने देखा होगा कि रात को हमला हुआ था, नो मैन्स जोन में जहां पर हथियार ले जाने की इजाजत नहीं है, वहां पर भी नुकीले धारदार हथियारों से हमला हुआ है। सदा निशाचर अर्धरात्रि में छिपकर हमला करते हैं, सदा निशाचर अर्धरात्रि में छिपकर हमला करते हैं, लेकिन वीर सपूत हमारे नहीं किसी से डरते हैं, 20 हुए बलिदान हमारे सैनिक अमर सितारे थे, 20 हुए बलिदान हमारे सैनिक अमर सितारे थे, तो हमने भी बदले में 45 पिल्ले मारे थे। अच्छा, वो मैंने पिल्ले नहीं कहा है, वो PLA है, पीपल लिबरेशन आर्मी। तो बदले में हमने भी 45 पिल्ले मारे थे ना, और हमें ड्रैगन से डराया जाता है, तो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि नाग यज्ञ करने वाले क्या ड्रैगन से घबराएंगे, नाग यज्ञ करने वाले क्या ड्रैगन से घबराएंगे, युद्ध भूमि में सैनिक शिव शंकर का रूप दिखाएंगे, शेर हमारे सीमा पर मिट्टी में तुम्हें मिलाएंगे, शेर हमारे सीमा पर मिट्टी में तुम्हें मिलाएंगे, ड्रैगन वैगन शेषनाग के आगे पूंछ हिलाएंगे, ड्रैगन वैगन शेषनाग के आगे पूंछ हिलाएंगे, ड्रैगन वैगन शेषनाग के आगे पूंछ हिलाएंगे, मान सरोवर के जल का सम्मान नहीं जाने देंगे, मान सरोवर के जल का, और ये संकल्प की पंक्ति है, मान सरोवर के जल का सम्मान नहीं जाने देंगे, मान सरोवर के जल का सम्मान नहीं जाने देंगे, बलवान देश के कहते हैं गलवान नहीं जाने देंगे, बलवान देश के कहते हैं गलवान नहीं जाने देंगे, पड़ी जरूरत LAC पर हम राफेल लगा देंगे, पड़ी जरूरत LAC पर हम राफेल लगा देंगे, संघाई बीजिंग हुआन तक इंकलाब हो जाएगा, संघाई बीजिंग हुआन तक इंकलाब हो जाएगा, अब की 22 में 62 का भी हिसाब हो जाएगा, अब की 22 में 62 का भी हिसाब हो जाएगा। बहुत बढ़िया सूरज जी। अब मैं सूरजमणि बनारस से देश के सैनिकों को कुछ पंक्तियां मैं समर्पित करता हूं, सुनिएगा जी। कि तुम हो तो हिंदुस्तान है, तुम हो तो हिंदुस्तान, तुम हो तो हिंदुस्तान है, तुम हो तो हिंदुस्तान, कि तुम सीमाओं के रक्षक हो, दुश्मन की खातिर तक्षक हो, तुम तीनों रंग तिरंगे के भागीरथ हो, माँ गंगे के हिम शिखरों के सरताज हो तुम, हर हिम्मत की आवाज हो तुम, तुमसे ही मिलती भारत की, तुमसे ही मिलती भारत की ताकत को पहचान, तुम हो तो हिंदुस्तान है, तुम हो तो हिंदुस्तान, तुम हो तो हिंदुस्तान है, तुम हो तो हिंदुस्तान। और पंक्तियां सुनिएगा,
कि भारत का बजता डंका हो, वर्दी धारी रणबंका हो, माटी के सच्चे लाल हो तुम, भारत माता की ढाल हो तुम, मंदिर पर चढ़ते फूल हो तुम, शिव शंकर के त्रिशूल हो तुम, चक्र सुदर्शन हो कान्हा के, चक्र सुदर्शन हो कान्हा के, अर्जुन के हो बाण, तुम हो तो हिंदुस्तान है, तुम हो तो हिंदुस्तान, तुम हो तो हिंदुस्तान है, तुम हो तो हिंदुस्तान। और सुनिएगा पंक्तियां कि भारत सेवा में चूर रहे, क्या है हमारे ज्येष्ठ सैनिक, क्या जो सीमा की सरहदों पर तैनात है, सीमा पर तैनात हैं जो हमारे देश के सैनिक, मैं समर्पित करता हूं पंक्तियां, सुनिएगा कि भारत सेवा में चूर रहे, घर आंगन से तुम दूर रहे, बीवी बच्चों के पास नहीं, तुम लेते हो अवकाश नहीं, मैया से माना नाता है, आंखों में भारत माता है, मैया से माना नाता है, आंखों से भारत माता है, भारत माता के चरणों में, भारत माता के चरणों में सब खुशियां कुर्बान, तुम हो तो हिंदुस्तान है, तुम हो तो हिंदुस्तान, तुम हो तो हिंदुस्तान है, तुम हो तो हिंदुस्तान। बहुत बहुत धन्यवाद अनामिका जी। नवजोत जी, आपकी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाती हूँ। हम सब यहाँ स्मृति पर्व मनाने के लिए उपस्थित हैं, आजादी के पर्व को मनाने के लिए उपस्थित हैं, उन्हें अपनी स्मृति में बार बार यहाँ रख रहे हैं, जो हमारे बीच नहीं है लेकिन जिनके कारण हम यहाँ बैठे हैं, जिनके कारण हम सांसें ले पा रहे हैं, और कुछ वो भी जिनकी बहादुरी को याद करते हुए हम गौरवान्वित महसूस करते हैं। हम उन सबको याद करने के लिए उपस्थित हैं, जिनकी बहादुरी याद करने के लिए उपस्थित हैं, ऐसे हमारे बीच अभिनंदन, जिनको देखकर मन करता है कि बार बार उन्हें याद करें और हर वर्दीधारी को सैल्यूट किया जाए, और वो ऐसे शहीद जिनके कारण हम जिंदा हैं, चाहे विक्रम बत्रा हो, चाहे विभूति डोंडियाल हो, चाहे ऐसे तमाम ऐसे नाम जिनके कारण हम यहाँ हैं। तब मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ, चार पंक्तियां कहती हूँ, और उनके परिवार ने उनके साथ क्या क्या इस देश को समर्पित किया है वो भी हमें याद करना है, उसे भी हम नहीं भूल सकते। पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनिएगा इन चार पंक्तियों से कि जुबा पर जैन आंखों में धरा का मान लिख देना, जुबा पर जैन आंखों में धरा का मान लिख देना, मेरे मजहब की तो इतनी सी बस पहचान लिख देना, वतन की शान में ओढ़ूं चुनर अपने तिरंगे की, वतन की शान में ओढ़ूं चुनर अपने तिरंगे की, मेरी हर सांस पर अंबर ये हिंदुस्तान लिख दे। एक छोटा सा गीत आपके बीच रखती हूँ। दृश्य ये है, एक कल्पना करते हैं, जब विक्रम बत्रा इस देश के लिए अपने आप को समर्पित करने गए होंगे तो उन्होंने क्या क्या वादे अपने परिवार से किए होंगे, क्या वादा अपनी भारत माँ से किया होगा। उन्होंने वहां से, ये एक कल्पना है, वहां से एक संदेश अपनी प्रेयसी को दिया, और वो संदेश क्या है मेरे इस गीत से आप तक पहुंचाती हूँ, सुनिएगा। प्रेयसी को संदेश एक वीर सैनिक का सीमा से, कि दाग के दुश्मन की छाती को, दाग के दुश्मन की छाती को जगा के फिर बुझती बाती को, दाग के दुश्मन की छाती को जगा के फिर बुझती बाती को, इस वर्दी का फर्ज निभाकर, इस वर्दी का फर्ज निभाकर जीत का फिर परचम लहराकर, इस वर्दी का फर्ज निभाकर जीत का फिर परचम लहराकर, भारत माँ का शौर्य तिरंगा सीमा पर फहराऊंगा, राह देखना मेरी मैं जल्दी घर वापस आऊंगा, राह देखना मेरी मैं जल्दी घर वापस आऊंगा, मैं
जल्दी घर वापस आऊंगा, जल्दी घर वापस आऊंगा। इस समय तो अनामिका की प्रस्तुति के ऐसे सम्मोहन में हूँ कि मुझे तो सिर्फ यही चार पंक्तियां याद आ रही हैं। स्वागत कि माँ की ममता स्नेह बंधु का पिता का धीरज हार गया, माँ की ममता स्नेह बंधु का पिता का धीरज हार गया, और बहन के रक्षाबंधन की राखी का प्यार गया, बच्चों की मासूम उम्मीदें पत्नी का श्रृंगार गया, रण को सैनिक नहीं गया है एक पूरा परिवार गया, रण को सैनिक नहीं गया है एक पूरा परिवार गया। और एक परिवार 1965 के युद्ध में भी गया था इसी तरह से, जिसका नाम होता था अब्दुल हमीद। तो इन्होंने वर्तमान को याद किया, मैं अतीत को याद करना चाहता हूँ। स्वागत है। और दरअसल नवजोत जी, होता क्या है कि किसी भी राष्ट्र के चरित्र का जो निर्माण होता है उसकी शिक्षा से होता है, और हमारी शिक्षा में जो हमें इतिहास पढ़ाया गया उसमें एक बड़ी खामी रही। मैं चार पंक्तियों में पहले उसे भी सुधारना चाहता हूँ कि अगर शांति की जगह क्रांति का साज बताते भारत को, अगर शांति की जगह क्रांति का साज बताते भारत को, तो शायद हम दुनिया का सरताज बनाते भारत को। और रोज रोज यूं सोने वाले पंख न नौचे जाते फिर, रोज रोज यूं सोने वाले पंख न नौचे जाते फिर, यदि चिड़िया की जगह पर हम बाज पढ़ाते भारत को, यदि चिड़िया की जगह पर हम बाज पढ़ाते भारत को। आपने जिक्र किया कि जब जंग होती है तो एक फौजी अकेला नहीं जाता, उसका पूरा परिवार उसके साथ जाता है। हाल फिलहाल में मेरी एक ऐसे परिवार के साथ मुलाकात हुई जहाँ पर माँ ने जिस दिन बेटे को रवाना किया था, माँ आज भी उसी दिन में जी रही है कि बेटा वापस आएगा। मैं करगिल युद्ध की बात कर रही हूँ, लेकिन बेटा वापस नहीं आया। मैं जीएनटी के श्रोताओं को करगिल युद्ध की दास्तां सुनाना चाहता हूँ, लेकिन उसमें भी जो हमारे शहीद हुए उनको स्मरण करते हुए चार पंक्तियों से बात शुरू करना चाहता हूँ कि कोई पहचान न होती, कोई सम्मान न होता। करगिल के शहीदों को याद करें और ये पंक्तियां कि कोई पहचान न होती, कोई सम्मान न होता, हमारी शानो शौकत का कोई सामान न होता, अगर होती नहीं कुर्बानियां अपने शहीदों की, कसम से आज हिंदुस्तान हिंदुस्तान न होता। कसम से आज हिंदुस्तान हिंदुस्तान न होता। वो 1999 का पहर और 7 दिनों तक ये युद्ध चला, 85 दिन तक आमने सामने भारत और पाकिस्तान रहे, हमारे भी जवान शहीद हुए, लेकिन हमने पाकिस्तान के सैनिकों पर अपने भारत का ध्वज जब फहराया तो हमने ये खुशी मनाई। और उस युद्ध के हमारे नायक कैप्टन मनोज कुमार पांडे जी, शहीद कैप्टन बत्रा जी, वाई के जोशी जी, सबको सल्यूट करता हूँ। पूरे 1999 कारगिल युद्ध को एक छंद में आप सबके सामने प्रस्तुत करता हूँ कि अटल के अटल इरादे साथ लेकर के गोरखा राइफल्स ने नीति ये बनाई थी, अटल के अटल इरादे साथ लेकर के गोरखा राइफल्स ने नीति ये बनाई थी। 7 दिन में ही इस युद्ध का विराम हुआ, विजय ऑपरेशन में हमने ही पाई थी, और कैप्टन मनोज पांडे जी की अगुवाई में भारतीय सैनिकों ने हिम्मत दिखाई थी। हमने 99 के कारगिल युद्ध में पाकिस्तानियों को कड़ी धूल चटाई थी, पाकिस्तानियों को कड़ी धूल चटाई थी। और मैंने कहीं कैप्टन मनोज कुमार पांडे जी का एक लेख पढ़ा, उनके लेख में ये बात थी, उस बात को चार पंक्तियों में पिराया। उन्होंने कहा, दुश्मन से कहा सरहद पे खड़े होकर के, क्या कहा कि तेरी गोली मेरी होली से डर के दंग हो जाए, तेरी गोली मेरी होली से डर के दंग हो जाए, तेरे गुस्से की पिचकारी पिचक कर भंग हो जाए, तमन्ना है कि यह दुश्मन तेरे इस सुर्ख चेहरे पर कोई भी रंग जो डालूं तिरंगा रंग हो जाए, कोई भी रंग जो डालूं तिरंगा रंग हो जाए। और मैं अपने शहीदों के, करगिल शहीदों के बलिदान को देखते हुए एक छोटी सी कविता प्रस्तुत करता हूं जिसका शीर्षक है देश जिंदा है। मुझे लगता है ये पूरा भारत ही नहीं, पूरी सृष्टि, पूरा संसार हमारे फौजियों की बदौलत खड़ा है, तब मैं ये बात कहना चाहता हूं। कविता प्रस्तुत करता हूं, देश जिंदा है। किसी नेता अभिनेता का सारा भेष जिंदा है, किसी नेता अभिनेता का सारा भेष जिंदा है, वहां पर आप जिंदा हैं, यहाँ लवलेश जिंदा है, वहां पर आप जिंदा हैं, यहाँ लवलेश जिंदा है। मेरे टुकड़े भले कर दो, मगर यही कहूंगा मैं कि सरहद पे खड़े फौजी के कारण देश जिंदा है, सरहद पे खड़े फौजी के कारण देश जिंदा है। और इस कविता का बंद देखिएगा कि सरहद पे खड़े फौजी के कारण देश जिंदा
जिंदा है। क्रिकेट हॉकी मैं देखता हूं अपनी नजर से कि क्या क्या फौजियों की दृष्टि फौजियों के कारण है। क्रिकेट हॉकी या खो खो टीम की हर रेल इनसे है, पहलवानी कबड्डी बैडमिंटन मेल इनसे है, ये भाला फेंक वॉलीबॉल या शतरंज की चालें मेरे भारत की मिट्टी पर सदा हर खेल इनसे है, मेरे भारत की मिट्टी पर सदा हर खेल इनसे है। कि किसी धावक के सपनों की भी स्वर्णिम रेस जिंदा है, कि सरहद पे खड़े फौजी के कारण देश जिंदा है, कि सरहद पे खड़े फौजी के कारण देश जिंदा है। और अगला बंद प्रस्तुत करता हूं, गुरु गोविंद जयंती और क्रिसमस वार इनसे है, बौद्ध और जैन धर्म के पर्व का हर सार इनसे है, अगर ये ना खड़े हो तो हरि त्योहार सूना है, दिवाली ईद की भी एकता का प्यार इनसे है, दिवाली ईद की भी एकता का प्यार इनसे है। और हर एक दरबार का पावन यहाँ दरवेश जिंदा है, कि सरहद पे खड़े फौजी के कारण देश जिंदा है। फौजी जब उस सरहद पर खड़ा होता है तो वहाँ उसकी हिम्मत उसका साथ देती है, हथियार हो ना हो लेकिन हिम्मत होती है तो जंग जीत जाता है। बिल्कुल, मैं एक गीत पढ़ता हूँ, सुनिएगा। स्वागत है। हुसैनी वाला जिंदाबाद, हुसैनी वाला जिंदाबाद, हुसैनी वाला जिंदाबाद, हुसैनी वाला जिंदाबाद। पाकिस्तानी मंसूबों को, पाकिस्तानी मंसूबों को कर डाला बर्बाद, हुसैनी वाला जिंदाबाद, हुसैनी वाला जिंदाबाद। केवल एक नहीं था गांव, सुनो हुसैनी वाला, इस मिट्टी में मिला हुआ था खून शहादत वाला, इस धरती पर पापी बादल कैसे छाने देते, दुश्मन के हाथों में धरती कैसे जाने देते। अरे वीर मराठा रेजिमेंट जो वहां पे है, वहां मराठा रेजिमेंट के जो सैनिक थे उन्होंने क्या जवाब दिया, मुंह तोड़ जवाब दिया, सुनिएगा। कि केवल एक नहीं था गांव, सुनो हुसैनी वाला, इस मिट्टी में मिला हुआ था खून शहादत वाला, इस धरती पर पापी बादल कैसे छाने देते, दुश्मन के हाथों में धरती कैसे जाने देते। अरे वीर मराठों ने दिलवा दी, वीर मराठों ने दिलवा दी उनको नानी याद, हुसैनी वाला जिंदाबाद, हुसैनी वाला जिंदाबाद। भारत के बम गोलों से था वो दुश्मन थर्राया, पाकिस्तान का कैसे मुंह तोड़ जवाब दिया हमारे मराठा रेजिमेंट के सैनिकों ने, सुनिएगा। कि भारत के बम गोलों से था वो दुश्मन थर्राया, राजगुरु सुखदेव भगत की राख नहीं छू पाया, घुसने दुश्मन को ना देंगे, घुसने दुश्मन को ना देंगे, लक्ष्य यही साधा था, यह एक गांव कई गांव की कीमत से ज्यादा, बहुत बढ़िया, यह एक गांव कई गांव की कीमत से ज्यादा था। पाकिस्तानी मंसूबों को, पाकिस्तानी मंसूबों को कर डाला बर्बाद, हुसैनी वाला जिंदाबाद, हुसैनी वाला जिंदाबाद। कि सियाचिन में खड़ा सिपाही आंख में चमक, क्या क्या एक सिपाही के पास है हमारे, कि सियाचिन में खड़ा सिपाही आंख में चमक, हाथ में बंदूक और कंधों पे उम्मीद ढोता है, कि सियाचिन में खड़ा सिपाही आंख में चमक, हाथ में बंदूक कंधे पे उम्मीद ढोता है, हम अपने घरों में सो सके सुकून से वो, इसीलिए कई कई रात नहीं सोता है। -30 तापमान में भी अग्निपुंज, -30 तापमान में भी अग्निपुंज, भारत का हिमवीर धीर नहीं खोता है, बर्फ भले कितनी भी ठंडी हो परंतु मेरे, बर्फ भले कितनी भी ठंडी हो परंतु मेरे, सैनिकों का जोश कभी ठंडा नहीं होता है। क्या सैनिकों का जोश कभी ठंडा नहीं होता है, और इन सैनिकों का जोश इसलिए भी नहीं ठंडा होता, अभी हम परिवारों की बात कर रहे थे, एक माँ के सामने शव पड़ा हुआ है बेटे का, और युद्ध में पूछ रही है, बेटा युद्ध में तो दोनों तरफ के सैनिक शहीद हो गए, तुम क्या करे,
तुमने ऐसा क्या किया कि मैं तुम पे गर्व करूं? तो बेटा यहां पे उत्तर देता है मृत शरीर से कि मां तुम्ही ने भेज दिया मातृभू की वंदना में, कम पन्ना धाय से ये बलिदान नहीं है। निष्प्राण नयन निज लाडले के देखकर सिंघनी के रोने का कोई विधान नहीं है। ये तिरंगा सीमा पार पहरे न तब तक, पीछे आना सैनिक की पहचान नहीं है। और यूं तो मेरी देह पर घाव हैं हजार, किंतु पीठ पर मेरी एक भी निशान नहीं है। इसलिए सैनिक सियाचिन में जिंदा रहता है और लड़ता है। एक क्षण मैं आपको और सुना रहा हूं, और जिस बात को लवलेश भाई आपने अलग ढंग से कहा है, मैं थोड़े दूसरे ढंग से कह रहा हूं। एक सैनिक का अनुभव है और के भाव उसके हैं और शब्द मेरे हैं। उसके भाव और मेरे शब्द का एक क्षण आप सामने से उतरते हुए देखिए, ग्लेशियर को पिघलते हुए, और थोड़ा सा जब नीचे आएंगे तो देश का चित्र कैसा बनता है। एक उन घाटियों का अगर नक्षिक वर्णन हो जाए तो देखिएगा कि सियाचिन की सफेद घाटियों पे गिरा रक्त, जो कलर कॉम्बिनेशन जानते हैं वो भी ये भी समझते हैं, ये देख रहे हैं, मैं इस पढ़ने की कोशिश करता हूं कि सियाचिन की सफेद चोटियों पे गिरा रक्त केसरिया मस्तवा मलंगा बन जाता है। बर्फ से ढका सफेद रंग का पहाड़ मानो पावन पवित्र जल गंगा बन जाता है। हरे हरे पेड़ घाटियों में लगे देखकर मन बलिदान का पतंगा बन जाता है। वो एक बार तीनों चीज देखता है प्यार से तो सैनिक की आंख में तिरंगा बन जाता है, सैनिक की आंख में तिरंगा बन जाता है। और अंत में एक प्रणाम भेजते हुए अपना स्थान लेता हूं। बर्फीली वादी के दुश्मन के सम्मुख होकर निर्भय, बर्फीली वादी में दुश्मन के सम्मुख होकर निर्भय, हर दर्रे के जर्रे पर बोले भारत माता की जय, भारत माता की। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। तो चलिए, सलाम है उस सेना को जिसने पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े किए, करगिल में दुश्मन के नापाक मंसूबे ध्वस्त किए। तो आज कवि सम्मेलन में इतना है, लेकिन चलते चलते देखिए, जब हम वीर सैनिकों की गाथाएं कहानियां सुनते हैं तो वक्त बहुत कम पड़ जाता है, लेकिन चलते चलते चलिए अपने वीर जवानों की जय बोलते हैं। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। कर्म से जो, निष्ठा से जो कर्तव्य निभाते हैं, कर्म से जो, निष्ठा से जो कर्तव्य निभाते हैं, वतन धड़कता हमें सौंप कर खुद मिट जाते हैं, वतन धड़कता हमें सौंप कर खुद मिट जाते हैं। शौर्य के पन्ने लहू से लिख इतिहास रचाते हैं, शौर्य के पन्ने लहू से लिख इतिहास रचाते हैं, वतन धड़कता हमें सौंप कर खुद मिट जाते हैं, वतन धड़कता हमें सौंप कर खुद मिट जाते हैं। जब तक है धरती अंबर ये अनुपम शौर्य मिटे ना, जब तक है धरती अंबर ये अनुपम शौर्य मिटे ना। जय हिंद की सेना, 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 जय हिंद की सेना। लहू समर्पित करने वाले देखो नेक नगीने, लहू समर्पित करने वाले देखो नेक नगीने, वज्र द्रेह ले लड़ जाते हैं बन फौलादी सीने, वज्र देह ले लड़ जाते हैं बन फौलादी सीने। सदा विजय हो, सदा विजय हो, सदा विजय हो, विजयी शीश झुके ना। जय हिंद की सेना, जय हिंद की सेना, जय हिंद की सेना, जय हिंद की सेना, जय हिंद की सेना।